ठीक है बट इस केस में आज के सेशन में वी बी डूइंग क्वेश्चन जहां पर कि निगेटिव सोल्यूशन विल ऑल्सो बी परमिसेबल ठीक है फॉर एग्जाम्पल देर माइट बी अ क्वेश्चन कि फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज एगो टू एंड एक्स इज बिटवीन माइनस हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑल्सो वाई इज बिटवीन माइनस हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सोल्यूशंस

देर विल गेट अ पैटर्न बिकॉज जैसे ही पहला सोल्यूशन मिल जाएगा एक्स के लिए वी नो कि एक्स के बाकी सोलूशन एक्स की बाकी वैल्यूज विल भी डिपेंडिंग अपॉन कोविश ऑफ वाई सिमिलरली वाई का अदर वैल्यूज विल भी डिपेंडिंग ऑन कोविश ऑफ एक्स ओके सो थ्री एक्स प्लस फाइव वाईज टू सो वी कैन राइट दैट थ्री एक्स इज इक्वल टू टू माइनस फाइव वाई ओके इफ ई पुट वाई इज इक्ल टू वियर वाई इजट जीरो पे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा इफ इपट वाई इज इको टू वन हियर सो एट वाई इज टू वन दिस विल बिकम टू माइनस फाइव विच इज माइनस थ्री सो एक्स विल इक्वल टू माइनस वन वी गॉट द फर्स्ट सोल्यूशन वेरी गुड सो माइनस वन एंड वन दट इज आवर फर्स्ट सोल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई ओके सो अगर एक्स का पहला सोल्यूशन इज माइनस वन तो अब हम सोल्यूशंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं फॉर वैल्यू ऑफ एक्स और डिक्रीज भी कर सकते हैं बट डिक्रीज और इंक्रीज विल डिपेंड ऑन डिक्रीज और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एक्स विल डिपेंड ऑन कोविशन ऑफ वाई विच इज इक्वल टू फाइव विच इज इक्वल टू फाइव सो कोविशन ऑफ वाई इज फाइव तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा दैट विल माइनस वन प्लस फाइव विच इज इक्वल टू माइनस वन प्लस फाइव विल बी प्लस फोर

ठीक so, so, है, में करोगे, करोगे करते क्या मिलेगा minus 196. और उटसाइडर बाउंड्रीज ओके बट इस क्वेश्चन में एक और डाउट है वो डाउट ये है कि एक्स तो चलो हमने देख लिया बट वाई के लिए भी same है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो लिमिटेशन से बाहर हो जाए

That is equal to two minus five y. So five y will be equal to two minus this will be five seventy plus twenty seven. So five ninety seven, which will be minus of five ninety five. So y will be equal to minus of one one nine, which is much less than minus two hundred. Because obviously, when x highest, hoga, y will be minimum value. So my y ka minimum value.

इन बोथ केसेस ठीक है बट अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि x इज बिटवीन माइनस टू हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एंड वाई इज बिटवीन माइनस हंड्रेड एंड हंड्रेड इन दैट केस फिर हमें y के लिए भी लिमिटेशन देखना पड़ता है और y का लिमिटेशन बाहर निकल रहा है तो फिर हम y पे लिमिटेशन लगाते ठीक है इन अ डिफरेंट क्वेश्चन वेयर दीज लिमिटेशन वर गिवन तो फिर हमें क्वेश्चन पे ज्यादा कॉशियस होना पड़ता है और x का भी लिमिटेशन देखते y का भी देखते बिकॉज y का के लिए जो चेंज है वो थ्री का हो रहा है हर यूनिट हर वैल्यू पे बट द पॉइंट इज कि वाई के लिए हमारा जो रेंज है दैट इज ऑल्सो स्मॉलर ठीक है दैट इज ऑल्सो स्मॉलर तो फिर क्वेश्चन हमारा बदल जाता तो वो क्वेश्चन भी अभी लास्ट में सॉल्व कर लेंगे सो so दैट तुम्हारा वो कौन भी क्लियर हो जाए बट अभी इस क्वेश्चन के लिए समझ में आता है कि फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि एक्स एंड वाई बोथ आर बिटवीन माई स्टूडेंट टू हंड्रेड तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट ऑन एक्स हमें वाई के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिकॉज वाई का जो चेंज है दैट इज मच मच स्मॉलर और एक्स और वाई जो स्टार्टिंग हमने एक जो वैल्यू लिया दैट वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल ओके क्लियर ठीक है, सो so, अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे कितने आएंगे यही क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे हमें लास्ट वैल्यू पता है हमें फर्स्ट वैल्यू पता है इनिशियल और लास्ट वैल्यू पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है ए बन रहा है clearly. Common difference है 5 का, तो 80 सोल्यूशन विल बी देयर ओके अब बैरालीस क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं है कोई कंडीशन को हम एक बार कर लेंगे बाद में ओके okay. कोई दिक्कत यहां तक अब क्वेश्चन को का एक और तरीका सीखते देखो इस क्वेश्चन में तो हमने वैल्यूज इजिली मिल गई फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा फाइव थोड़ी होगा कोविशन कोविशन कुछ और वैल्यू होगा तो फिर हमारे लिए दिक्कत आएगी प्रॉब्लम आएगा फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करने में तो वी शुड हैव अनदर मैथड विच शूट्स अवर अप्रोच ठीक है एक और हमारे पास मैथड होना चाहिए जो कि हमारी अप्रोच को सूट करें तो अब मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना ध्यान से समझना और क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से समझ गए तो क्वेश्चन बहुत इजीली तुमसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे ओके? We'll okay? एक जनरल टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट वैल्यू विल बी माइनस वन प्लस फाइव ओके बी फोर नेक्स्ट वैल्यूल फोर्टीन एंड सोन ओके किसी भी एक वैल्यू को पिक कर लो पिक एनी वन वैल्यूट से दिस वैल्यू इज फॉर एन इज इक्वल टू जीरो लेटेस से दिस वैल्यू इज फॉर एन इज इक्वल टू जीरो एंड इफ दिस वैल्यू इज फॉर एन इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है फोर मिल रहा है और फिर साथ में कॉमन डिफरेंस कितने का फाइव का कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू फाइव ओके तो इफ दिस वैल्यूज फॉर एन इज इकोट जीरो तो हमारा जो जनरल टर्म हो जाएगा जनरल टर्म हो जाएगा ठीक है जनरल टर्म यहां पे तुम एपी वाले टर्म से एक्जैक्टली exactly मत समझना क्योंकि यहां पे हमारी निगेटिव वैल्यूज भी आ रही है तो हमने किसी भी एक वैल्यू को पिक कर लिया है एन पे तो एन यहां पर हम निगेटिव भी लेंगे ठीक है दैट इज वाई एक वैल्यू को पिक किया और ये जो फोर वैल्यू आ रहा है ये हमारा कॉन्स्टेंट है बिकॉज एन इज इकोट जीरो पे आ रहा है और फिर कॉमन डिफरेंस फाइव का है तो जनरल टर्म हमारा आ जाएगा फाइव एन प्लस फोर इन दिस केस ये जो जनरल टर्म आया है विल पुट एन इज इक्वल टू जीरो क्योंकि एपी में वैल्यूज नहीं लेते हैं एन को नेगेटिव नहीं लेते जीरो भी नहीं लेते हैं एन को पॉजिटिव लेते हैं हमेशा बट है? यहाँ पे अपने आपको सिंपलफाई करने के लिए है? अपनी क्वेश्चन को सिंपलफाई करने के लिए जनरल टर्म लिया दैट इज फाइव फोर एन इज गोड जीरो पे हमें क्या रिजल्ट देगा फोर देगा ऑब्वियसली और एन इज गोड वन देगा नाइन देगा एन इज माइनस वन पे क्या देगा दिस विल बी गिविंग अस रिजल्ट माइनस वन तो सारी की सारी वैल्यूज हमें इस तरह से मिल जाएंगी, जो

4. So subtract 4. So this will be minus 204. This will be 5n. And this will be 200. Minus 4 is yani 196. A this will be 196. So minus 204 less than 5n less than 5 196 Now divide by 5. In all cases, divide by 5. So this will be minus 200 by 4 by 5. Which will be less than n. At n is less than 196 by 5. नौ माइनस टू हंड्रेड फोर बाई फाइव वैल्यू क्या रहा है दिस टाइम्स जाएगा 5 से, सारी की सारी वैल्यूज रेंज में लाई करेंगी वो हमें एन की परमिटेड है वो सारी वैल्यूज हम ले सकते हैं ओके okay? वो सारी वैल्यूज को हम ले सकते हैं सो एन कैन बी माइनस फोर्टी फोर्टी वन नहीं हो सकता है बिकॉज माइनस फोर्टी वन इज मच लेसर माइनस फोर्टी एंड फोर बाई फाइव से भी छोटी वैल्यू होगा तो माइनस फोर्टी वन तो नहीं ले सकते माइनस फोर्टी ले सकते हैं माइनस थर्टी नाइन ले सकते हैं माइनस थर्टी एट ले सकते हैं जीरो तक ले सकते हैं वन ले सकते हैं टू ले सकते हैं थर्टी नाइन तक ले सकते हैं तो हमारी टोटल वैल्यूज कितनी हो गई माइनस फोर्टी से लेकर वन माइनस वन तक टोटल फोर्टी वैल्यूज तो निगेटिव हो गई प्लस जीरो हो गया वन वैल्यू हमारी तो प्लस वन से लेकर तो फोर्टी प्लस टोटल ओके यहाँ पे तुम दो सेपरेट एपी भी मान सकते थे कि तुम फोर के बाद में आगे पॉजिटिव नंबर्स की एपी ले लेते जिसका कि फर्स्ट टर्म है फोर नेक्स्ट टर्म है नाइन और माइनस वन के बाद में नेगेटिव नंबर्स की एपी ले लेते तो तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बट वहां पे हमारा जो प्रोसेस है वो डबल हो जाता एफर्ट डबल हो जाती तो वहां पर हमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है इसलिए यह मेथड इज दिस मेथड इज मच बेटर ठीक है अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है अदरवाइज मैं तुम्हें वो मेथड भी बता देता हूं कि जहां पर हम दो एपी मान के इसको सॉल्व करेंगे और दो एपी मान के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बट टाइम ज्यादा खर्च करोगे टाइम ज्यादा खर्च करोगे तो स्मार्ट अप्रोच तो यही है बट फिर भी समझ लेते हैं समझने में क्या जाता है ओके तो वही सेम पैटर्न रहेगा हमारा सो पॉजिटिव नंबर्स की एपी पी होगी हमारी फोर नाइन फोरटीन नाइनटीन एंड सो ऑन ओके okay, और निगेटिव नंबर की एपी हो गई हमारी माइनस वन माइनस सिक्स माइनस इलेवन एंड सो ऑन ओके नो टू पी दिस इज एपी नंबर वन दिस इज एपी नंबर टू ओके सो इन एपी नंबर वन फर्स्ट टर्म इज फोर सेकेंड इज नाइन थर्ड इज फोर्टीन एंड सो ऑन ठीक है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या चाहिए लास्ट टर्म शुड बी लास्ट टर्म शुड बी लेस देन इक्वल टू टू हंड्रेड less than equal to 200. So, general term kya that will be 4 plus n minus 1 times d. d is 5. n minus 1 times 5. This should be less than 200. Less than equal to be Equality b. Less than equal to 200. Okay. So, this will be 5n minus 5 plus 4. Means yani 5n minus 1. So, 5n is less than equal to 201. So, n will be less than equal to 201 by 5. Okay. So, this comes out to be 40 एंड दिस इज इक्वल टू 40 एंड 1 बाई फाइव सो एन शुड बी लेस देन इक्वल टू दैट और एन क्योंकि इंटीजर है तो एन की वैल्यूज हम क्या ले सकते, है? 1 ले सकते है. 1, 2, 3, so, हैं वन से लेके 40. तो टोटल 40 वैल्यूज मिलेंगे हमें फॉर द पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स की बात करें माइनस वन माइनस सिक्स एंड भी सेम लॉजिक लगेगा माइनस वन प्लस टाइम्स कॉमन डिफरेंस क्या है एंड दिस शुड भी लेस इक्वल टू लेस देन ग्रेटर टू होगा यहाँ पे बिकॉज़ माइनस टू हंड्रेड निगेटिव नंबर है तो ग्रेटर इक्वल टू माइनस टू हंड्रेड ओके सो दिसनस वन माइनस फाइव एन प्लस फाइव सो माइनस फाइव एन प्लस फोर ग्रेटर इक्वल टू माइनस टू हंड्रेड सो माइनस फाइव एन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू हंड्रेड एंड फोर और क्योंकि नेगेटिव साइन है दोनों साइड में तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इक्वल टू फाइव एन ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई इन गिवन है एंड दिस इज एन इन इक्वालिटी दिस इज नॉट इक्वालिटी सॉल्यूशन का केस है तो जब भी हम अगर हम निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा हमारा इन इक्वालिटी चेंज हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू टू जीरो फोर तो एन शुड बी लेस देन इक्वल टू टू जीरो फोर बाई फाइव एंड दिस इज इक्वल टू फोर्टी एंड फोर बाई फाइव और क्योंकि हमने दो सेपरेट ए पीज माना है और एपी में नंबर ऑफ टर्म्स एन तो वन से ही स्टार्ट होगा सो वन से लेकर फोर्टी तक की वैल्यूज यहाँ पे भी ले सकते हैं फोर्टी वैल्यूज हमने नेगेटिव में ली फोर्टी वैल्यूज पॉजिटिव में ली फोर्टी प्लस फोर्टी टोटल सोल्यूशन विल बी एटी ठीक है तरीका वही है बस थोड़ा सा अप्रोच हमने अपना डिफरेंट कर दिया ओके okay? थोड़ा सा अप्रोच हमने डिफरेंट कर दिया ताकि तुम्हें यह बात भी समझ में आए और तुम्हें यह तरीका भी सीखना जरूर है आना जरूर चाहिए बिकॉज तुम्हें आएंगे जितने ज्यादा तरीके आएंगे उतना ज्यादा तुम कंफर्टेबल फील करोगे क्वेश्चन के साथ में बट बेस्ट अप्रोच क्या होगा बेस्ट अप्रोच है ये वाला अगर ऐसे कर पाओ डायरेक्टली तुम फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू निकाल पाओ डायरेक्टली फिर तो उसके बाद खर्च से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो ये तो बेस्ट है बट हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो सेकंड बेस्ट फिर ये है कि एक एपी में कन्वर्ट करो जिसका जनरल टर्म लो जिसमें तुम एन नेगेटिव भी रखोगे पॉजिटिव भी रखोगे जीरो भी रखोगे सब चलेगा ठीक है जनरल टर्म के हिसाब से इन इक्वालिटी बना की माइनस टू हंड्रेड से टू हंड्रेड यहां पर रेंज है तो उसमें लाई करेगा वहां से मैं एन के लिए दो रेंज मिल जाएगा दो वैल्यूज मिल जाएगा उसके बीच के जो भी इंटीजर वैल्यूज है वो सारे के सारे हमारे सोल्यूशन होंगे अदरवाइज थर्ड केस है कि दो सेपरेट एपीज बनाओ पॉजिटिव वैल्यूज की एक निगेटिव वैल्यूज की एक ओके ठीक है तो ये बातें समझ में आनी चाहिए अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर वेस्ट

तो मतलब होगा ठीक है डायरेक्टली ओपन हो गया सिमिलरली फॉर वाई ऑल्सो कि वाई के केस में भी वही है कि वाई विलवीन माइनस हंड्रेड एंड हंड्रेड ओके क्लियर है वाई विल बिटवीन माइनस हंड्रेड एंड हंड्रेड तो ये दोनों के लिए हमें वैल्यूज मिल गया अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को ओके सो फोर एक्स प्लस सेवन वाई जीरो सिंस सेवन इज द लार्जर कोफिशिएंट तो थ्री में सबट्रैक्ट करेंगे सेवन वाई थ्री माइनस सेवन वाई पुट वाई इज इक्वल टू जीरो तो कोई सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं बट वाई इज वन पुट करते ही हमें मिल रहा है इक्वल वन पर थ्री माइनस सेवन सो दैट विलोर सो एस विलवल टू माइनस वन एक्स इज इक्ल माइनस वन एट वाई इज इक्व वन अगेन एक्स एंड वाई आर ऑलमोस्ट इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल और क्योंकि एक्स इज चेंजिंग एज पर द कोविशन वाई तो एक्स में चेंज ज्यादा फास्ट आएगा लिमिटिंग so? होगा यानी कि हमें x में ही कैल्कुलेशन अपना करना चाहिए y में नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों के लिए रेंज तो एक्जैक्टली exactly सेम है एक्स के लिए भी रेंज हमारा माइनस हंड्रेड से हंड्रेड है और वाई के लिए भी रेंज माइनस हंड्रेड से हंड्रेड है तो हम अपनी कैलकुलेशन को एक्स में करेंगे और फिर वाई को चेक करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा टेंशन कोई नहीं लेनी ओके सो so, एक्स में माइनस वन वैल्यू आया नेक्स्ट वैल्यू आएगा सेवन से क्योंकि चेंज हो रहा है तो नेक्स्ट वैल्यू भी माइनस वन प्लस सेवन दैट इज गुरु सिक्स देन नेक्स्ट वैल्यू भी सिक्स प्लस सेवन दैट इज गो थर्टीन देन नेक्स्ट वैल्यू ट्वेंटी अब ट्वेंटी में पहुंचते ही हम सेवन के हिसाब से अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं अरेंजमेंट करने का मतलब क्या वो ट्वेंटी में अब तुम सेवेंटी एड कर दो तो हमें पता है कि नाइनटी भी एक वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पे है नहीं तो क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेटली कहां तक पहुंचना है एक्स शुड बी बिटवीन माइनस हंड्रेड एंड हंड्रेड ओके तो लास्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए और जुगाल से ही मिलेगी जुगाल से ही मिलेगी आसानी से तो नाइनटी तक पहुंच गया नाइनटी के बाद नेक्स्ट वैल्यू 97 तो हमें वैल्यू मिलेगा माइनस एटी फाइव

6, तो 6 तो सिक्स हो गया और फिर कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा सेवन सेवन का 7 का कॉमन डिफरेंस है तो सेवन एन प्लस टर्म दिस विल बी आवर जनरल टर्म ओके और सेवन एन प्लस माइनस हंड्रेड एंड हंड्रेड नो ये सिक्स प्रॉब्लम है तो सिक्स को सबक्राइक कर दो सारी एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज में सो दिस विल बी माइनस हंड्रेड एंड सिक्स दिस विल बी सेवन एंड एंड दिस विल बी नाइनटी फोर डिवाइड बाई सेवन दिस विल बी माइनस हंड्रेड एंड सिक्स बाई सेवन लेस देन एन एंड एन शुड बी लेस देन नाइनटी फोर बाई सेवन ओके ना प्रीवियस वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पे बोथ वैल्यूज वर इंक्लूडेड दैट इज वाई लेस देन इक्वल टू लगाया था हमने यहाँ पे बट इस केस में हमारा सिर्फ लेस देन है इक्वालिटी नहीं है दैट इज वाई इन इक्वालिटी ही हमने लगाई है तो माइनस वन जीरो सिक्स बाई सेवन दिस विल भी सेवन से वन टाइम्स जाएगा दिस इज लेस देन एन एंड एन इज लेस एंड थर्टीन टाइम्स आएगा थर्टीन एंड थ्री बाई सेवन सो दिस इज़ द रेंज फॉर एन कि एन कैन भी माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन नहीं हो सकता है बट एन कैन भी माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन हो सकता है माइनस फोर्टीन हो सकता है माइनस थर्टीन हो सकता है एंड सो ऑन, कैन बी माइनस वन कैन बी जीरो कैन बी वन कैन बी टू टिल थर्टीन सो हमारी निगेटिव वैल्यूज आई हैं फिफ्टीन एक वैल्यू आया जीरो और टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन इज डन इंडस्टेड ओके क्लियर ठीक है कोई समस्या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट इज मॉड mod of x less than 300 and mod of, integer solutions of x and y लेस दैन थ्री हंड्रेड द नंबर ऑफ इंटीज सोल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई दट सेटिस फाई दाईन थ्री एक्स प्लस सेवन वाई जिको टू क्या होंगे इस क्वेश्चन में क्योंकि अब तक तुम्हें प्रोसेस समझ में आ चुका होगा पॉज करो वीडियो को अपने एंड पे तसली से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और सोल्यूशन फाइंड आउट करो फर्स्ट मेथड से भी फाइंड आउट करो कि कोशिश करो लास्ट और फर्स्ट वैल्यू निकालने का और फिर उसके बाद में पैटर्न बना के भी सॉल्व करो दोनों तरह से अपने एंड पे सॉल्व करो उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखो मैच करो कि तुम्हारा जो तुमने काम किया वो ठीक आया कि नहीं आया ठीक है सीखे हो कि नहीं सीखे हो ओके okay.

कोई सेवन पे डिपेंड कर रहा है दोनों के लिए हमारा रेंज सेम है सो so, लिमिटिंग कहां पे होगा एक्स पे लिमिटिंग होगा यानी कि एक्स के लिए के लिए हमें नंबर ऑफ वैल्यूज कम मिलेगा एक्स जल्दी रेंज को अप्रोच करेगा माइनस थ्री हंड्रेड भी जल्दी पहुंचेगा थ्री हंड्रेड भी जल्दी पहुंचेगा सो so, हम एक्स में ही अपना पूरा कपड़ा कैलकुलेशन करेंगे सो माइनस टू के बाद नेक्स्ट वैल्यू माइनस टू प्लस सेवन विल बी फाइव देन नेक्स्ट वैल्यू फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व एंड सो ऑन नाइनटीन में एड करोगे सेवेंटी सेवेंटी को एड क्यों करो थ्री हंड्रेड तक पहुंचना है अब इस बार में जाना है माइनस थ्री हंड्रेड से लेकर थ्री हंड्रेड तक तो सेवेंटी का मल्टीपल ऐड कर दो, ऐड कर दे तो सबसे बढ़िया तो नाइनटीन प्लस टू एट्टी नाइनटीन प्लस टू एट्टी दिसंटी नाइन बस बेस्ट है टू तक पहुंच गया इससे बड़ी क्या वैल्यू होगी क्योंकि यही मैक्सिमम वैल्यू हो सकता था, है हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ वा गया माइनस टू में सब ट्रैक करो सेवन तो माइनस नाइन आएगा देन आएगा माइनस सिक्सटीन ठीक है माइनस सिक्सटीन आएगा और माइनस सिक्सटीन में ऐड कर दो टू या सब ट्रैक कर दो टू यहां पर घटाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो माइनस सिक्सटीन माइनस टू this will be minus 296 so minimum value will be minus 296 maximum value will be 299 number of solutions n will be equal to 299 minus minus 296 divided by 7 plus 1 so this will be 400 uh, 35595 by 7 plus 1 so 7, se jaega, 7 8 is eighty 85 plus 1 number of solutions will be 86 86 solutions will be there

सो गेटिव वैल्यूज है फोर्टी थ्री देन एक जीरो है और देन फोर्टी टू वैल्यूज है पॉजिटिव तो फोर्टी थ्री प्लस फोर्टी थ्री एटी सिक्स इज दोल्यूशन क्लियर ओके सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन इन दिस सेशन आई बिलीव की मेथड समझ में आएगा और क्वेश्चन क्लियर होंगे इफ दर्ज डाउट वाट्स मेक शो टू कमेंट अबाउट दैट डाउट और अगर सेशन पसंद आया है चीजें समझ में आई है और मजा है सोलूशंस में तो डेफिनेटली सेशन को लाइक like जरूर करना है अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दिस सेशन बाय टेक केयर एंड कीप लर्निंग माई नेम इज विजात कुमार तिवारी and that's all for this session you can also connect with me on telegram at ADITYAKT and join the telegram channel methodological that's all keep learning